चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे सर, तो उसमें जो है अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें, कोई भी एक जन ऑन रखे जो मेरे बात का जवाब दे। तो आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है क्यूपला फर्नेस के या क्यूपला भट्टी के ऑपरेशन, ठीक है। और उसके पहले जो हमने कल क्लास ली थी उसमें हमने बताया था क्यूपला फर्नेस का वर्णन। इस क्लास के पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो की लिंक भेजी थी, पीडीएफ में बोला गया था कि 8 से 10 तक पेज का अध्ययन कर लें और बुक्स या क्यूबी से आप इस टॉपिक को पढ़ लें। अब आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन का था कि किस प्रकार ऑपरेट की जाती है क्यूपला फर्नेस को, हम किस प्रकार ऑपरेट करते हैं। तो हमको ये देखना है कि क्यूपला फर्नेस को किस प्रकार ऑपरेट की जाती है। तो कल की समरी के लिए मैं एक आपको जो वीडियो भेजा है उसी वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, उसी केवल स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं मैं, उसको देखें अपन, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं कि क्यूपला फर्नेस के बारे में हम जो जानते हैं वो ये वाली वीडियो मैंने आपको भेजी हुई। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमको जो दिखाई गई है वो जो एक आखिरी वाला शॉट मैंने लिया हुआ है जिसमें कि कंप्लीट क्यूपला फर्नेस आपको दिख रही है, दिख रही ना आपको ये वाली वीडियो दिख रही है जो मैं भेज रहा हूँ, मतलब अभी जो स्क्रीन शेयर हो रही है दिख रही है क्यूपला फर्नेस की, हम इसी को देख रहे हैं अभी। इस क्यूपला फर्नेस में यदि आप देखें तो आप पा रहे हैं तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक बॉटम होता है, यहां पर अपना क्या होता है, ये क्या कहलाता है अपना स्टील सेल, स्टील सेल के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, लाइनिंग लगी हुई है। नीचे वाला हिस्सा हमारा बेड कहलाता है, सैंड का बेड, ये हमारा क्या है जिसमें से हम एयर भेजते हैं, एयर ब्लास्ट का इनलेट है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है अपने ट्यूअर्स हैं। और हम ऊपर जा रहे हैं तो अल्टरनेट लेयर है, पहले कोक, इसके बाद फिर क्या है फ्लक्स, इसके बाद क्या है मेटल, ऐसी 2-3 लेयर है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन दिख रही है। हाँ तो अब हम यहाँ पर देखें ऊपर, ऊपर हमारा स्पार्क अरेस्टर लगा हुआ है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। इसकी वर्किंग में कल हमने पढ़ा था कि यहाँ चार्जिंग डोर से जो है सबसे पहले हमारा क्या आता है कोक, इसके बाद क्या आता है फ्लक्स, इसके बाद क्या आता है मेटल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये हमारा यहाँ पर कोक जाता है तो यहाँ पर ये जलता है, उस समय हम ये विंड वॉक्स से एयर देते हैं। इसके बाद ये जो कंबस्शन जोन है इसके नीचे जो भी पिघली हुई मेटल होती है वो वेल कहलाता है, वेल, क्रूसिबल जोन या हर्थ। यहाँ पर ये कंबस्शन में, कंबस्शन जोन में बर्निंग होती है। कंबस्शन जोन में यदि हम रिएक्शन की बात करें तो कार्बन है, मैग्नीशियम, सल्फर है, इनके ऑक्सीजन इनके साथ मिलकर के इनके ऑक्साइड्स बनाती है। कार्बन क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके बाद जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो रिड्यूसिंग जोन आता है जहां पर की कार्बन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की कम होती है, तो ये बनता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसके बाद जब हम मेल्टिंग जोन में जाते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं मेल्टिंग जोन में कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आयरन या उसके स्क्रैप के साथ रिएक्शन कर करके Fe3C बनाती है, यानी कि स्टील बनाती है। और यही प्रक्रिया हमारी यहाँ तक मेल्टिंग जोन तक चलती है। इसके बाद भी जो मेल्टिंग जोन का टेम्परेचर है वो 1700 से ऊपर ही रहता है जिससे हमारा पूरा मेटल पिघल जाए। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो ये गर्म गैसेस जो ऊपर की ओर जा रही हैं, ये जो ऊपर की लेयर को क्या करती है, प्रीहीट करती है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 1100 के करीब होता है और ये इसको प्रीहीट करती है, तो ये प्रीहीट जोन कहलाता है चार्जिंग डोर तक। और उसके बाद फिर जो है गर्म गैसेस जो है वो हमारी बाहर की ओर निकलती है, जिसको हम धुआं बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो या मतलब स्पार्क भी इसके साथ निकलती है, तो उसको रेस्ट करने के लिए चिमनी है और इस जोन को हम बोलते हैं स्टिक जोन। तो ये हम लोगों को पता है, ठीक है ना, ये हमने कल पढ़ लिया था। यहां तक किसी कोई दिक्कत, बोलिए किसी कोई प्रॉब्लम, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अब हम आज जो पढ़ रहे हैं उसकी अब हम बात करें तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेशन क्या होता है, मतलब क्यूपला फर्नेस को चलाया कैसे जाता है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो इस बारे में बात करने पर हम देखेंगे यहां पर कि सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं
मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी 6 से 8 पेज की, और उसमें जो है मैंने एक स्टेप लिखा था ऑपरेशंस ऑफ क्यूपुला फर्नेस, तो इसकी टोटल स्टेज कोई बता सकता है कितनी होती है? कोई बता सकता है कितनी स्टेज होती है? 7 सबसे, हाँ सबसे पहले कौन सी होती है? क्यूपुला को तैयार करना, सबसे पहले स्टेज क्या है? क्यूपुला फर्नेस को तैयार करना। अब आप माइक को बंद कर दें। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि मान लीजिए क्यूपुला फर्नेस पहले यूज की गई है, तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका स्लेब पूरा निकालते हैं, और प्रीवियस रन के बाद उसके ट्यूअर्स या उसकी लाइनिंग जो है, मतलब जो ईट वगैरह लगती है साइड में स्टील के बगल में, हो सकता है उनको डैमेज हो गया हो, तो इन सबको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। और यदि यहाँ पर कहीं पर कोई चीज उखड़ी दिखती है, ब्रिक्स वगैरह कोई टूटी दिखती है, तो इसको हम रिपेयर कर देते हैं फायर क्ले और सिलिका सेंट के द्वारा। यानी कि हमको ये देखना है दोबारा यूज करने के पहले कि पहले जब यूज हुई थी तो कहीं कोई स्लेग नहीं लगा है, नंबर एक, और ट्यूअर्स के पास जो भी अपनी डस्ट वगैरह जमा है तो, या कोई मटेरियल स्लेग जमा है तो उसको अलग करना है। इसके बाद यदि कोई कहीं पर मान लीजिए लाइनिंग अपनी टूटी हुई दिखती है तो उसको अपने को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के बाद फिर हम उसका डोर बंद कर देते हैं, नीचे से जो डोर होता है उसको हम बंद कर देते हैं। डोर्स को ऊपर उठाना मतलब डोर्स इस तरह के रहते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जब हम इसको बंद कर रहे हैं मतलब हम इसको फिर से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो ये रेज कहलाता है। और इस पोजिशन में हम डोर को रख देते हैं, और फिर इसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, सेंड का बेड बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सेंड बेड। अब इस सेंड बेड को हम 100 से 200 mm तक बनाते हैं, 100 से 200 mm तक बनाते हैं, और फिर इसके बाद हम इसमें क्यूपुला फर्नेस को ठंडा होने देते हैं, मतलब सूखने देते हैं, ड्राई करने देते हैं। तो यहां तक की प्रक्रिया जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है क्यूपुला फर्नेस को मेल्टिंग के लिए तैयार करना। ठीक है, स्क्रीन में दिख रही है आपको पीडीएफ जो आप मैंने पेज दिए थे, बताइए, कोई भी बता दे। यस सर, दिख रही है। अब इसके बाद जब हमने क्यूपुला फर्नेस को तैयार कर लिया है तो अब हमें उसको आग लगाना है, उसमें फायरिंग करना है। फायरिंग करने के लिए यदि मान लीजिए मुझे शाम को सुबह 10 बजे मुझे मेल्टन मेटल चाहिए, तो मैं उसके 3 घंटे पहले मतलब 6 से 7 बजे के बीच में मैं उसको अब यहाँ पर क्या करूंगा, फायरिंग करूंगा। तो फायरिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमने सेंड का बेड बनाया उसके ऊपर हम लकड़ियों को जलाते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठाया है, मैं क्वेश्चन को भी देखता हूँ, क्वेश्चन के जवाब में थोड़ी देर बाद दे देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ स्क्रीन में फिर इश्यू आ रहा है। ठीक है, आप लिखते जाइए, मैं इकट्ठा जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पर लकड़ी से आग लगाने से क्या होता है कि वो अब हमारी क्यूपुला जो है जलना शुरू हो जाती है, और हम ऊपर से कोक का बेड बना देते हैं। मतलब पहले जो चार्जिंग से आ रहा है वो सिर्फ हम क्या डालते हैं, कोक, अभी फ्लक्स और मेटल को नहीं डालेंगे। तो अब जो हमने लकड़ी जलाई हुई है और कोक का बेड है, तो जैसे जैसे लाल लाल अपन सिगड़ी में देखते हैं कि लाल लाल दिखने लगा है, इस तरीके का दिखने लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो है क्यूपुला जो है वो फायर्ड हो चुकी है, उसमें जो इनिशियल आग लगना थी वो लग चुकी है। तो पहली स्टेप हमारी हुई कि उसको प्रिपेयर करना, दूसरी स्टेप हमारी हुई कि क्यूपुला को फायर करना। अब हम आते हैं इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं, इसको चार्ज करना। तो चार्ज का जब भी कोई मतलब निकलता है उसका मतलब हम ये लगाते हैं, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं यानी उसको इनपुट देते हैं। तो इस तरीके से अब हम जो इनपुट देने वाले हैं, अब हम उसकी बात करेंगे कि इनपुट देते समय हम सबसे पहले क्या है, कोक बेड के ऊपर क्या डालेंगे, हम फ्लक्स डालेंगे, फ्लक्स डालेंगे, और फ्लक्स के बाद क्या डालेंगे, हम मेटल डालेंगे। फ्लक्स का पर्पज आप लोगों को समझ में आ गया, लाइम स्टोन है जो कि फ्लुइडिटी को बढ़ाता है और जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको स्लग के रूप में लेके आता है। और यहाँ पर हम इस तरीके से हम इसको चार्ज करते हैं। चार्ज का मतलब कि कोक के ऊपर फ्लक्स, उसके ऊपर मेटल, फिर उसके ऊपर कोक, फिर फ्लक्स, फिर मेटल, इस तरीके से हम लेयर बना देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम चार्जिंग। यानी प्रिपरेशन में हमने पहले जो हुआ है उसको हमने रिपेयर करके फिर से तैयार कर लिया है, जिस प्रकार हम घर में शाम को सिगड़ी जब जलाते हैं उस समय तैयार करते हैं, पुरानी राख वगैरह हटा दी और इसके बाद जाली वाली देख ली, सब ठीक है, फिर नया कोयला डाल देते हैं। तो नया कोयला डालना जो होगा वो क्या होगा, फायरिंग, फिर नीचे से हम आग लगा देते हैं। जब वो कोयला जल चुका है इसके बाद फिर हम खाने का सामान रखते हैं, चूंकि सिगड़ी में हमें खाना बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमको मेटल को पिघलाना है। तो चार्जिंग का मतलब ये होगा कि हम मेटल मतलब फ्लक्स डालें, इसके बाद फिर मेटल डालें। मेटल मतलब सॉलिड जो आपके पास पीसेज रखे जिसको आप पिघलाना चाहते हैं, या मेटल का स्क्रेप हो सकता है, उनको हम डालते हैं।
तो ये हिस्सा हमारा कहलाता है चार्जिंग। चार्जिंग के बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो चार्जिंग के बाद हम आगे आएंगे तो हमारा आएगा सोकिंग ऑफ आयरन। अब चार्जिंग के बाद क्या हो रहा है आप यहाँ पर देखें कि चार्ज होने के बाद आप देख रहे हैं कि आपकी कोक में आग लग चुकी है, पूरा टेम्परेचर आने आने लगा है। हाँ, इसमें एक चीज और मैं मिस कर रहा था जो मैं बता दूं कि जब हम सेकेंड स्टेज में थे फायरिंग में, उस समय हम विंड वॉक्स से एयर को भी ब्लो करते हैं क्योंकि कोयले में आग, कोक में आग तब तक नहीं लगेगी जब तक कि ऑक्सीजन न मिले, तो हम केवल विंड वॉक्स से चालू करते हैं उसमें कि एयर को ब्लो करे। अब इसके बाद हमारा है सोकिंग पर। सोकिंग का मतलब ये हो गया कि जो हमारे आयरन के पीस आए हैं उसको हमको 45 मिनट तक अब कुछ नहीं करना है, वैसे ही चलने देना है, जिससे कि जो हमारा क्यूपला में आया जो चार्ज आया है वो 45 मिनट तक प्री हीट हो सके, जिसको हम सोकिंग बोलते हैं या प्री हीटिंग जोन जो सबसे ऊपर की तरफ रहता है वो वाला, बाद में कंटिन्यूस चलता है। और पांचवी स्टेज ये हमारी कि चूंकि अब हमको टेम्परेचर चाहिए और टेम्परेचर तब मिलेगा जब हमें एयर हम डालेंगे, तो हम ट्यूर से फुल जो भी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पर, मतलब ये हुआ कि 45 मिनट के बाद अब हम एयर ब्लास्ट शुरू कर देंगे। एयर ब्लास्ट 10 मिनट तक हम इसको करेंगे, 10 मिनट तक जब हम एयर ब्लास्ट करते हैं तो 10 मिनट के बाद हमको लगता है कि मेटल पिघल पिघल गए हमारे वेल में या हर्थ में या क्रूसिबल में इकट्ठी होने लगी है। जब ये हमारी मेल्ट होने लगती है उस समय हमारी जो है, अब हमारा ये होता है कि मेल्टिंग शुरू हो गई है और ये मेल्टिंग की प्रक्रिया हमारी चलती रहती है जब तक कि उसके अंदर हम चार्जिंग के द्वारा कोक, फ्लक्स और मेटल डालते रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको क्यूपला फर्नेस को चार्ज करना है, चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है, तो हम ऐसा नहीं कि अपने गैस के जैसे स्टार्ट किया चाय बनाई और रख दिया। इसके लिए हम पहले से कास्टिंग तैयार करके रखते हैं, बहुत मोल्ड तैयार करके रखते हैं बहुत सारे, और फिर हम इसमें इकट्ठा पिघलाते हैं। मतलब ये कम से कम अगर इसकी रनिंग पीरियड देखें तो 8 से 10 घंटे चलती है, यानी कि यदि अपन ने मान लीजिए सुबह 7 बजे इसको तैयार किया है तो हमको 10 बजे के करीब हमको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, मोल्टन मेटल, और ये रात के मतलब 8-9 बजे तक 10 घंटे तक हमको लगातार मोल्टन मेटल मिलता रहेगा। तो इसलिए हमारे मोल्टन मेटल को हम रख सकते नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास मोल्ड तैयार हो जिनमें कि हमें मतलब मोल्टन मेटल डालनी हो। तो यहाँ पर एयर ब्लास्ट करने से अब हमारी जो है कहना चाहिए कि मेटल जो है वो मेल्ट होकर के इकट्ठी आ गई है। अब इकट्ठी जब हो रही है तो हम मोल्टन मेटल को करेंगे क्या, तो यहाँ पर दो चीजें लिखी है छठी स्टेज में, टेपिंग एंड स्लेगिंग। टेपिंग एंड स्लेगिंग का मतलब होता है कि अपन अब निकाल रहे हैं, निकालना निकासी कर रहे हैं अपन, तो निकासी दो चीजों की कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो मोल्टन मेटल की, तो उसको बोलेंगे हम टेपिंग, मतलब टेप जैसे अपन खोल देते हैं और मेटल आना शुरू हो जाती है, उस तरीके से मोल्टन मेटल जो आएगा वो टेपिंग कहलाएगा। जबकि उसके ऊपर की ओर यदि हम देखेंगे कि स्लग जमा हुआ है तो उसमें से अशुद्धियों को निकालने के लिए जो स्लग बॉक्स है आपका, वहां से आप स्लेग निकालेंगे। तो टेपिंग और स्लेगिंग, स्लेगिंग देख ली जाती है, कांच लगे होता है, ग्लास लगा होता है जिससे दिखता है कि नहीं अब इसमें अशुद्धियां जम गई हैं, तो वहां पर हम उसका स्लेगिंग का पोर्ट खोलेंगे, गेट खोलेंगे और वहां से हम अशुद्धियां निकालते जाएंगे और नीचे बॉटम से हम क्या निकालते जाएंगे, टेपिंग करते हुए मोल्टन मेटल। तो ये प्रक्रिया हमारी चलती जाएगी। तो अब हम देखें पहली टेपिंग जो की जाती है, मतलब अब आपका क्या हो गया 10 मिनट के बाद, फिर 40 से 50 मिनट, यानी कि आपने वहां से चले थे आप 3 घंटे पहले से, अब मान लीजिएगा कि 10 मिनट हो गए हैं आपका ये, तो यहाँ पर टेपिंग है स्लेइंग जो आपको मिलेगी लगभग 11:30-11 बजे आपको मोल्टन मेटल मिलना शुरू हो जाती है। सुबह 7 बजे से तैयारी करते हैं तो 10:30-11 के करीब आपको पहला वाला शॉट जो है आपको मोल्टन मेटल का मिल जाता है। अब यहीं पर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखी हुई है कि स्लेग जो इकट्ठा होता है उसको हम स्लेग होल के द्वारा निकालते हैं, या मैंने बता दिया इस प्रक्रिया को हम स्लेगिंग बोलते हैं। मोल्टन मेटल को हम कहाँ में ले जाएंगे, जो ले जाते हैं क्रूसिबल्स वो लेडल्स कहलाते हैं, लेडल्स में डाल करके फिर हम मोल्ड में पोर कर देते हैं, और ये प्रक्रिया हम बार बार दोहराते रहते हैं जब तक कि हमको मोल्टन मेटल मिलता रहता है। अब मोल्टन मेटल मिल गया, आपके रात के 10 बज गए हैं, आपने जो मेटल डाली थी वो आपकी खत्म हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे इसको कि मोल्टन मेटल आने के बाद अब आप क्यूपला को क्लोज कर देंगे। क्यूपला को क्लोज करने के लिए तरीका है कि आप इसके सबसे पहले एयर के जो है, क्योंकि आपके अंदर जो भी आपने डाला हुआ था वो मतलब जो भी आपने लेयर्स डाली हुई थी वो सब जल चुकी हैं आप, और इसके बाद आप अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप एयर ब्लास्ट को बंद कर देंगे
ब्लास्ट, जो एयर की ब्लास्ट आपने करी है भेज रहे थे उसको शट ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर आप नीचे का दरवाजा जो अभी ऐसा था उसको फिर आप क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, एक ठोकर मारेंगे एक डंडे के लोहे की राड के द्वारा, तो इस तरीके से खुल जाएगा। और ये खुल जाएगा तो जो भी सेंड होगी, सेंड जो हमने जमा रखी है जिसके ऊपर की आपकी वो मोल्टन मेटल चल रही थी, वो पूरे के पूरे नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से जनरली जो होता है क्यूपला लगातार 10 घंटे तक चलने के लिए होती है। तो यहाँ पर अभी हमको यही देखना था कि क्यूपला की बेसिकली प्रोसेस क्या है, क्यूपला का ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। तो क्यूपला के ऑपरेशन में अब हम यहाँ पर देखें, अभी जो हमने देखा है पीडीएफ के द्वारा, कि अभी हमको ये देखना था आज की क्लास में कि क्यूपला फर्नेस को कैसे तैयार करें हम। तो पहली चीज कैसे करेंगे हम तैयार, यदि हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसका ठंडा होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम, अंदर जा करके देखेंगे यदि कहीं पर लाइनिंग वगैरह है तो उसको रिपेयर करेंगे। इसके बाद उसके बेड को, गेट को बंद करेंगे, गेट को बंद करने के बाद हम उस पर सेंड का बेड लगा देंगे। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, आग लगाएंगे तो कोक का एक, पहले हम कोक डाल देंगे और नीचे से लकड़ी लगाना शुरू करेंगे। इसके बीच में सोकिंग पीरियड आएगा, सोकिंग शायद है। इसके बाद फिर क्यूपला को आग लगाएंगे और उसके बाद फिर हम चार्ज का मतलब क्या होगा कि हम उसमें अल्टरनेटिवली पहले फ्लक्स, फिर मेटल, फिर कोक, फिर फ्लक्स, फिर मेटल, इस तरीके से जमाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको सोक करेंगे। सोक का मतलब हमें 45 मिनट तक अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखना है जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप होगा। और उसके बाद में फिर एयर ब्लास्ट को हम पूरे बैग से जब भेज देंगे थ्रू ट्यूयर्स, विंड वॉक्स से तो चल ही रही है लेकिन ट्यूयर्स के थ्रू भी जब हम फुल अमाउंट ऑफ एयर को अंदर भेजेंगे तो उस समय के बाद 45 मिनट बाद हमको पिघली हुई धातु मिलना शुरू हो जाएगी। तो पिघली हुई धातु को निकालने को कहते हैं टेपिंग और धातु मल को निकालने को कहते हैं अपन स्लैगिंग। और आखिरी में जब 8 से 10 घंटे तक हम लगातार मेटल को निकालते रहे और वहां पर इकट्ठी होती रही तो इसके बाद फिर हम क्यूपला को बंद करने के लिए नीचे का गेट खोलेंगे, सारा का सारा जो है वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको ठंडा होने देंगे। अगली बार जब हमको जाना है फिर से हम यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो इस तरीके से यदि हम देखें कि अभी हमने ये देखा है कि इस क्लास के बाद तक हमको ये पता लग गया है क्यूपला फर्नेस का डिस्क्रिप्शन, उसका नीट स्केच, उसके फायदे, उसके डिफरेंट जोन और ऑपरेशन। तो यहां पर अब मेरा कहने का है कि क्यूपला फर्नेस के बारे में जो कुछ भी आता है वो सब अब आप लोग देख चुके हैं। यहां पर मैं चैट का आंसर देख लूं, कुछ चैट में आया था कुछ क्वेश्चंस, वो मैं देख लेता हूं। किसी ने चैट किया था, मिटा दिया क्या? अब आप चाहे तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोग अपना माइक ऑन करके एक एक माइक ऑन करते चलिए और क्वेश्चन पूछते चलिए मुझसे। बताइए कि इस ऑपरेशन जो आज हमने देखा है, इस ऑपरेशन में आपको कोई कंफ्यूजन हो? ऑपरेशन मतलब क्यूपला फर्नेस को तैयार करके और उससे मोटर मेटल लेकर के तो उसको बाद में बंद। हाँ बोलिए, चैट पे डाला है माइक, रणजीत जी आप चैट पे डालते जाइए, मैं क्वेश्चन देखता जा रहा हूँ। सोकिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं, दर्शन ने लिखा है सोकिंग मतलब सुखाना जिसको हम बोलते हैं। सुखाने का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर अपन यहाँ पर सुखाने का मतलब समझे कि हमने क्या कर दिया है, कोक का बेड लगा दिया है, लकड़ी को जला दिया है और विंड बॉक्स से एयर को दे दिया है, तो ऊपर जो हमारे फ्लक्स और मेटल लगे हैं वहां उनमें सब में वातावरण की नमी होगी तो वो नमी को जो है वो सोखता जाए। दिस इज कॉल्ड सोकिंग। तो सोकिंग जो होती है हमारी, मतलब अभी मेटल पिघली नहीं है बल्कि क्या हो रही है, सोकिंग, सुखाना। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ उसमें अभी जो बताया, सोकिंग यानी सुखा। प्रोसेस के बारे में हम देखें तो एयर ब्लास्ट का मतलब होता है कि आपने देखा होगा इंदौर के लोग सेव बहुत खाते हैं। सेव खाने वाले कभी आपने यदि देखा होगा, सेव बनते हैं बाहर की तरफ, वो बनाते रहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फर्नेस रहती है या गैस भट्टी रहती है और उसमें आपने देखा होगा बहुत तेज तेज एयर निकलती रहती है, राइट? तो मतलब एयर ब्लास्ट मतलब इसी स्पीड से एयर को अपन ने बाहर निकलते देखा, इसी स्पीड से मतलब ब्लोअर के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को फर्नेस के अंदर डालते हैं। कहां से? जो चारों तरफ होल बने हैं छोटे छोटे जिनको हम बोलते हैं ट्यूयर्स। एक विंड वॉक्स से दो, विंड वॉक्स से एयर को डालेंगे, वो पेरिफेरी में बनी हुई ट्यूयर्स के थ्रू जाएगी और इस तरीके से सब तरफ एयर जाएगी। दिस इज कॉल्ड एयर ब्लास्टिंग। बेसिकली इसके अंदर प्रेशर के साथ भेजना एयर ब्लास्टिंग। कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन चैट के थ्रू लेना चाहता हूं।